साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन है 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है। ब्याज की दर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब आर का मान। ठीक है, हल करने से पहले अगर चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या दिया गया है। टी का मान दिया गया है 5 वर्ष, है ना, और क्या दिया गया है अपने से, कह रहा 8/5 गुना, कोई धन है जो 5 वर्ष में अपने का 8/5 गुना, जब 8/5 इस तरह से कोई गुना कहे तो जैसे यहाँ पर 8/5 गुना, 4 गुना जो भी, ठीक है, तो जब इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको आर परसेंट का मान या दर का मान निकालने को कहे तो आपको फार्मूला लगाना है। 8/5 गुना जो है ये एन का मान है, ठीक है, तो यहाँ पर n-1 × 100/t आपको इसमें मान रख देना है, तो r का मान हमें मिल जाएगा 8/5 − 1 × 100/t का मान कितना है भाई, 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 8 में से 5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3/5 × 100/5 ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 10 5 × 5 × 5 = 20 तो क्या हो जाएगा 4×3 = 12%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा 12%। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा आज की इस वीडियो में, इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज फुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।